इस बेबी को समझा लो। चूंकि हम जा रहे हैं गांव अपने विलेज में, ये फाइनली हमारा गांव है जो शुरू हो चुका है। और सबसे पहले जब भी एंट्री करते हैं, मैं ऑलवेज बोलता हूँ गुरुद्वारा साहब के दर्शन होते हैं। मानसी को अच्छे ही यहाँ खाना बनाने लगा दिया, रूम में घूम रही है बाहर। हाँ तो फिर कैसा लगा अपना घर? मेरी फैमिली है पूरी। कैसी लगी लाइफ? चलो और भी ला रही है रूप अभी तो। सबको हैप्पी हैप्पी दिवाली। रूप लगा रही है लाइट और मानसी और आराध्या नाचने में लगे हुए हैं। ऑन करके तो लगा रही है तो लटक गई ना, फिर मत बोलना हम नीचे को लटका देंगे। जरा सारे नु फड़ूंगी देखियो, कल्ली नहीं जाती है। आज के ब्लॉग में होने वाली है दिवाली की प्रेपरेशन। अभी हम जा रहे हैं दिवाली का सामान खरीदने, जो जो हमें चाहिए। राधे का समूह बना रही है। राधे क्या लेने जा रही है? दिवाली वाले हलन खोली और एक लाइट और दिए और दिए और पता पे नीचे लाने वाले वो कलर रंगोली वो बोल रही है ये। अभी हम मार्केट में जाके दिखाते हैं। अभी मैं और रूप जा रहे हैं, ये तो ऊपर आज बहुत ज्यादा रश भी होगा मार्केट। हाँ, में तो और ये बोल रहे हैं कि गाड़ी में बड़ा हो जाएगा, गाड़ी जाएगी भी नहीं अंदर, तुम लोग एक्टिवा पे हो आओ, मैं इतने में काम कर लेता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मार्केट कितनी अच्छी, आज दुकानें सारी सजाई हुई है दिवाली करके, और रश देखो कितना। तो यहाँ से हमने ले लिए दिए, और जो फोटोज लेनी थी हमने माता की वो भी ले लिया फोटो। तो हमने वो सामान ले लिया दिए वगैरह, अब हमने लेनी है सब्जी। लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही अंदर जाने की, इतना ज्यादा लोग है ना। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ये हमारे साथ गुस्सा हो गए थे। हम इनको कब से बोल रहे हैं उठो उठो उठो, आज दिवाली वाले दिन भी मुंह इतना बड़ा फुला के बैठे हुए कंबल लेके अंदर घुस के कंबल के बीच में। अब हम हार के ना यहाँ यार इनको ये पूछो कि मैंने इनको कम से कम 50,000 की शॉपिंग करवा चौथ से अब तक करवा दी। अब अभी उठा नहीं हूँ मैं, सुबह फोन उठाकर लागे ये खरीद रहा है। मैं ना यही सो रहा हूँ, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाना तुम्हारे पास आने। मैं थोड़ी देर गया चीजें दिखाने लगी, ये खास कर ये ना मतलब कुछ हो ना हो सबसे पहले ये खरीदना मैं इससे नहीं अब खरीदा जाता। क्या होता है गाइस, मैं फेसबुक खोलती हूँ सबसे पहले शॉपिंग वाला आ जाता है, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ सबसे पहले शॉपिंग वाला। मैं करूँ तो सर्च ये करती होगी ना, सजेशन में वही चीजें आती है जो तू बंदा देखता होता है। अच्छा ऐसे होता है, मुझे आज पता लगा है। चलो कोई बात नहीं, अब ये मान गए हैं, माने हम नहीं है। इनको किसी का फोन आया था उससे ये खुश हो गए हैं, काफी अच्छी चीज होगी है कोई, तो फिर अपने आप ही मान गए। फिर हम अभी फोन उठा के बैठ गए, नहीं तो ब्लॉग ही नहीं बना रहे थे हम तो। कब से बोल रहे थे वीडियो बना लो, कोई क्लिप ले लो आज दिवाली। कितनी बार घुमाएगी एक बात को? एक बात को मैं बार बार घुमाऊंगी जब तक आप समझना। अब गाइस ये नेल्स लगा रहे हैं, इसके बाद इन्होंने रंगोली बनानी है। रात को वहाँ पे लाइट्स लगाई थी, अगर आप लोगों ने देखा था, देखा ही होगा। और जाना आप नहीं आ रहे थे ना, आराध्या ने हमारी एक छोटी सी क्लिप ली है नेल्स लगाने की, वो आप ना बीच में ऐड कर देना। बेचारी से प्रॉपर तो नहीं ली गई, लेकिन फिर भी ऐड कर हमारा देना। प्यारा सा डीओपी है से आराध्या से हैप्पी दिवाली। फोन लेने जा रही थी, अब मैं लगा दूंगा ना क्लिप। तो गाइस मम्मी बना रही है और आज है दिवाली, तो मम्मी बना रही है दिवाली दिनेश। तो बाय बाय दाइश दिनेश जी, मैं इधर बिल्कुल आ रहा, लेकिन दूसरा मत हो जाना। हाँ, गणेश जी गुस्सा होते नहीं बच्चों से, आ जाएंगे राधा के घर। गणेश जी माता भी आएगी है ना। मानसी और मानसी की बेटी दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने, एक और भी आने वाला है। फिर कर। और ये देखो इधर देखा, तो ये तीनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हैं, और अभी ये बनाने लगे हैं रंगोली। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं इसके बाल, पूरी गुड़िया लग रही है आज तो। हाँ हैप्पी दिवाली।
तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी मिठाई देने दिवाली की, और हमारे फ्रेंड सोसाइटी में उसके पास भी जाएंगे। पहले हम सिक्योरिटी गार्ड के पास जाएंगे क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं आज दिवाली है, हमें जल्दी छुट्टी हो जाएगी, कुछ है हमारे जान पहचान के, तो हमें जल्दी छुट्टी हो जाएगी, फिर दूसरी शिफ्ट वाले आ जाएंगे। हाय, हमारी साड़ियाँ इतनी उलझ रही है ना पाँव में, पहले तो हमने नीचे से स्टिच कर रखी थी, आज हमने स्टिच नहीं की। रूप की तो सही है मेरी तो देखो, और नीचे मैंने क्या पहनना है। हैप्पी दिवाली भैया दी, हैप्पी दिवाली। तो गाइस पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी ये बनाने लगे हैं रंगोली। राधे क्या बनाएंगे अब? तो गाइस दोनों ही ये रंगोली बना रहे हैं, राधे भी इनकी हेल्प कर रही है रंगोली बनाने में। तो आज भी इन्होंने अभी साड़ी पहनी है, लेकिन जब हम गांव में जाएंगे दिवाली सेलिब्रेट करने तब हम ड्रेस चेंज करेंगे। हाँ जी वो मैं भी तो अपनी ड्रेस चेंज ही नहीं करूंगा। नहीं करेगा, ठीक है। या बेबी, एक इधर वाली बेबी ना मेरे हाथों पे चढ़ रही है, इस बेबी को समझा लो। राधे भी इनकी हेल्प कर रही है। एक तो ना साड़ी में काम करना बड़ा मुश्किल है, ये नहीं पता लगता कि जो हर रोज साड़ी पहनते हैं वो कैसे काम करते होंगे। उनको एक्सपीरियंस है, वो सूट में नहीं कर सकते। हाँ ना, ये भी है फंडा, कोई रहा ही वैसे मेरा चक्का देखना। तो गाइस इस दिन कहते हैं लक्ष्मी माता हमारे घर पे आते हैं, तो हमारी लक्ष्मी माता तो हमारे पास है छोटी सी, आज हम इसी के पैर लगवाएंगे। अच्छे से लगवा दे, खड़े कर दो इसको। लग गए छोटे पैर, बन गए। मत कर साफ, अब तो लग गए जैसे लग गए। ये छोटे छोटे राधे के हमने फुटप्रिंट ले लिए लक्ष्मी माता के, क्योंकि हमारी लक्ष्मी माता तो यही है। तो गैस जी हमारी माता बन के पहले ही तैयार होकर बैठी है, कहती मैं माता बन के बैठूंगी ऐसे माता की तरह। गाइस हमने पूजा कर लिया, राधा बोल रही है मैं भी माता हूँ मुझसे आशीर्वाद लो, तो सर पे हाथ तो रख दे। ये हमारी छोटी सी माता है, ये बोलती है पहले मुझे मत्था टेको, मैं नहीं, वो गुस्सा हो गई थी। माता को, माता ने कौन सी मिठाई खानी है बताओ। माता जी आप कौन सी मिठाई खाओगे? जे वाली खानी है। ये लो माता जी, आप भी हाथ लगाओ, चलो खाओ। चाय माता जी खा लो सारी। तो गाइस हम फाइनली निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं गाँव अपने विलेज में, मेरे गांव में, अब तो इनका भी गांव वही हो चुका है, और वहां पे हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। यहां पे हमने पूजा कर ली थी, अब घर जाकर भी पूजा करेंगे। वहां पे मेरा भतीजा, मेरी फैमिली और भी गांव के बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ मिलकर हम पटाखे भी चलाएंगे, और आपको दिखाऊंगा कि गांव में सेलिब्रेट कैसे करते हैं लोग। गाँव में लोगों की लाइट्स वगैरह दिए जला रखे हैं लोगों ने अपने दीवारों पर, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फाइनली हमारा गांव है जो शुरू हो चुका है, और सबसे पहले जब भी एंट्री करते हैं मैं ऑलवेज बोलता हूँ गुरुद्वारा साहब के दर्शन होते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे गांव का गुरुद्वारा है। और ये मेरे घर को जाती है सड़क। सभी ने अपने घरों पे दिए वगैरह लगा रखे हैं। मानसिक वास्ते यहाँ खाना बनाने के लिए लगा दिया, रोज हम घूम रही है बाहर खुद से, और मानसी बना रही है या खाना क्या बना रही है? मेरी घर बाहर एक ही ड्यूटी रहती है, खाना नहीं। ये बाहर नहीं है,
और ये देखो ये इसके साथ तो ये वही डॉगी है गाइस, ये चल भी नहीं पा रहा था जिसको हमने इंजेक्शन लगाया। देखो ये फिर पीछे आ गया हमारे, तो इसको हमने सारे इंजेक्शन, एक इंजेक्शन रह गया वो भी यहाँ पड़ा है अभी अंकल के घर, तो वहाँ जाकर फिर लगाएंगे। तो गाइस फाइनली गांव में आ चुका है, हमने वहाँ अपने घर पूजा कर ली थी, अब हम गाँव में फैमिली के साथ पूजा करने लगे हैं। रूप मानसी बैठ गए हैं और वो मेरे खड़े भाई हैं। क्या बोलते हैं राध्या? राध्या बोलो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी माता जी और गणपति बाबा जी हमारे घर आना। ये कैंडल्स लगा रहे हैं यहाँ पे रूप और मानसी। ये हमारे घर के आगे शॉप लगी है, स्वीट्स एंड पकौड़े एंड पटाखे वगैरह। ये हमारी गाड़ी खड़ी है गाइस। ये हमारे घर का थर्ड फ्लोर है, यहाँ पे भी रूप और मानसी है, कैंडल्स लगवा रहे हैं। नहीं ले जाता बेटा, वो कैंडल लगा रहे हैं। हाँ तो फिर कैसा लगा अपना घर? बहुत अच्छा लगा। नीचे तो तूने सेकंड फ्लोर तक आई थी पिछली बार है ना, यहाँ नहीं आई थी, बाहर भी नहीं गई, बाहर भी नहीं गई थी है ना। तो आ जाइए, मानसी फर्स्ट टाइम आई है, जिस फर्स्ट टाइम मानसी ने पूरा घर देखा है गाँव में। हाँ हम आज रात रुकेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो यहाँ पे गाँव दिवाली मना रहे हैं लोग, और ये मेरा भतीजा है। तो गाइस ये किसी ने क्या कहते हैं इसे, इसको वो बोलते हैं एयर कुछ बोलते हैं। हाँ पैराशूट कहते हैं। क्या वो कर रही है तू? एक वो उठ के रहते क्या हुआ? मजा आ रहा है तो राध्या गाइस डर रही है, तेरे को आ रहा है? हाँ बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो क्रेज रहा नहीं, लेकिन गांव में भी लोगों को अब जैसा पहले होता था ना। तो नहीं मैं वहां से, लेकिन वो उधर देख सामने, वो दूसरे गांव में चल रहा है। वो दूसरे गांव है? हाँ। ये कौन सा गांव है? ये हमारा गांव का नाम है, वो छोटी सोरल है। अच्छा। वो छोटा है, फिर तो पास ही है ना। हाँ। जैसे हमारा लगाओ उधर देख। डर क्या, आग लगाने को हो रहा था। यहीं खड़ी रह, रुक क्या हो जाएगा। मेरे को लगा मेरे नाखून को आग ना लग जाए, इसलिए मैं ऐसे ऐसे आग लगा रही थी। तो ये हम इससे बनवाने लगे खाना, बहुत टाइम इसने रेस्ट कर दिया, ज्यादा बंदों का खाना नहीं बनाया, आज हमने इसको लगा रहे हैं अच्छी तरह काम में। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है घर पे मेरी ड्यूटी लगती है खाना बनाने की, यहाँ भी सेम वही मेरी ड्यूटी लगी है। वो खिसक के बाहर निकल गई फटाफट, बहुत शातिर है। कोई बात नहीं, मेरा आज फर्स्ट डे है, खिलाऊंगी। वैसे मेरे को यहाँ का पता नहीं है इतना कि क्या कहाँ पर है। अब मैं कृष्ण को साफ करने वाला हूँ। कहाँ आराध्या जी कौन है? एंजल। क्या नाम है बेटा तेरा? और मैं बता दूं ये आराध्या ना इससे छोटी है, जो एंजल है ना आगे खड़ी, इसका नाम है एंजल, और आराध्या एज में एंजल से छोटी है, लेकिन हाइट में उससे ऊपर लग रही है, और दोनों फ्रेंड है, दोनों पड़ोसी है। 8-9 मंथ का फर्क है, पहले एंजल हुई थी फिर आराध्या हुई थी। क्या कर रही आ गया, चलो। तो मैं जब हम आए अपने अंकल के घर, यहाँ पे भी ये रूप और मानसी। बंद तो होगी, फिर कब चलेगी? ओ वाह, ये तो जादू ही है, फिर चलेगी। मैं कहा सारी रात चलती रहे, ये चलाओ। तो वैसे मेरी फैमिली है पूरी, तो गाइज हमने सारे सेलिब्रेशन कर लिए, पटाखे वगैरह सारे फोड़ लिए जितने भी थे। अब आ गया सोने का टाइम, आज मैं पहली बार अपने ससुराल में सोऊंगी, उसके बाद सुबह भी हम लोग सुबह जाएंगे यहाँ से, सुबह का ब्लॉग भी दिखाएंगे। अभी के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सबको फिर से एक बार हैप्पी दिवाली। तू तो उलझी रहती है, ये उलझा हुआ प्राणी है। नहीं, ये ना मैं अपना
रूम था, इससे आज ही बहुत दिनों के बाद खोला, बहुत सारा पानी पूनी अंदर आता रहता था। चलो ठीक है, सफाई भी होती थी, लेकिन क्या है कि जब कोई नहीं रह रहा होता है ना तो फर्क तो पड़ जाता है। सो बाय बाय गाइस, बहुत बहुत से बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना गाइस। चूल्हे पे ऐसे ये लकड़ी वगैरह जो भी चीज़ वेस्टेज होती है ये सारा यूज़ करके पानी गर्म किया जाता है।